चाचा शिवपाल को भाजपा ने दिया खुला ऑफर, सपा छोड़ हमारे साथ आओ, राजभर के साथ मंत्री पद पाओ। क्या राजभर ने शिवपाल को भी कर दिया है तैयार, क्या सपा में फिर से पड़ेगी दरार? सवाल उठे तो मिल गया ऐसा जवाब कि हर कोई रह गया हैरान, देखिए क्या है भाजपा का ये गेम प्लान। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में चर्चा इन दिनों इस बात की हो रही है कि क्या राजभर के साथ चाचा शिवपाल सिंह यादव भी बीजेपी के साथ जाने वाले हैं। सवाल इस बात का है कि क्या बीजेपी ने कोई बड़ा ऑफर चाचा शिवपाल सिंह यादव को दिया है और क्या शिवपाल सिंह यादव बीजेपी का वो ऑफर कबूल करने वाले हैं। याद करिए वो दौर जब विधानसभा का सत्र चल रहा था, सीएम योगी आदित्यनाथ सामने बैठे थे और शिवपाल सिंह यादव प्रतिपक्ष में बैठे थे। अचानक से सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो शिवपाल सिंह यादव ने खड़े होकर उस प्लान का खुलासा कर दिया था जिसको बीजेपी कभी सार्वजनिक होने देना नहीं चाहती थी। बीजेपी की तरफ से शिवपाल सिंह यादव से संपर्क साधा गया था और शिवपाल सिंह यादव ने भरे सदन में कहा था कि मैं आपके भी संपर्क में बहुत रहा हूं और मुझे भी पता है कि आपकी प्लानिंग क्या है। और उस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ ने उन्हें जवाब देते हुए कहा था कि संबंध खराब नहीं हुए, अभी भी आपके लिए खुला ऑफर है। और अब कुछ उसी तरीके का दिखाई दे रहा है। ऑपरेशन महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि यहां भी दल बदल हो सकता है, पाला बदली हो सकती है और इसको लेकर के सभी सियासी दल एक दूसरे से संपर्क में हैं, जो गठबंधन में हैं वो एक दूसरे के साथ मजबूती बनाना चाहते हैं और विधायकों और सांसदों और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने की कोशिश में लगे हैं। अब खबर निकलकर सूत्रों से सामने आई कि ओम प्रकाश राजभर सशर्त बीजेपी में शामिल हो सकते हैं और बीजेपी के साथ गलबैया कर सकते हैं। वही राजभर जो 2017 में बीजेपी के साथ थे लेकिन बाद में दूरी बनी और बीजेपी को छोड़कर समाजवादी पार्टी के साथ आ गए थे। अब मंत्रिमंडल विस्तार की खबर सामने आई तो दावा किया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर सशर्त योगी कैबिनेट का हिस्सा बन सकते हैं और इसकी तैयारी जोरों पर है। साथ ही दावा किया जा रहा है कि ओम प्रकाश राजभर के अलावा शिवपाल सिंह यादव को भी बीजेपी की तरफ से खुला ऑफर दिया गया है और बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आप हमारे साथ आइए, राजभर की तरह पद पाइए। सवाल ऐसे में यह है कि क्या शिवपाल सिंह यादव पाला बदलेंगे और अगर शिवपाल सिंह यादव पाला बदलेंगे तो इसकी वजह क्या होगी। वजह चाहे कोई भी हो लेकिन चाचा शिवपाल सिंह यादव ने बीजेपी की तरफ से जो ऑफर मिल रहा है उसका दो टूक ऐसा जवाब दिया है कि बीजेपी वालों का मुंह छोटा सा हो गया है। बीजेपी वालों को समझ नहीं आ रहा कि अब कैसे सामना किया जाए शिवपाल सिंह यादव का। शिवपाल सिंह यादव ने साफ शब्दों में इस ऑफर पर कहा है कि हम लालच की राजनीति नहीं करते हैं, हम बिल्कुल भी जनता के इमोशंस, उसकी फीलिंग, उसकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ नहीं करते हैं और हमें ये बिल्कुल पसंद भी नहीं है, इसीलिए हम आपके साथ तो कतई नहीं आएंगे। शिवपाल सिंह यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी की जान उसका कार्यकर्ता है, उसके नेता है, उसके पदाधिकारी हैं और कोई भी पदाधिकारी ऐसा काम नहीं करेगा जिससे पार्टी के संविधान को ठेस पहुंचे और पार्टी की भावनाओं को भी चोट पहुंचे। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव की तरफ से साफ शब्दों में कहा गया है बीजेपी को कि वो किसी का भी ऑफर स्वीकार करने वाले नहीं है। हालांकि बीजेपी की तरफ से खुलकर तो ऐसा नहीं कहा गया लेकिन बीजेपी के सहयोगी दलों के नेता ऐसे दावे कर रहे थे जिसमें संजय निषाद का नाम सबसे ऊपर है। संजय निषाद का कहना था कि शिवपाल सिंह यादव, जो कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, ये कुछ दिनों के बाद बीजेपी में आ सकते हैं और मंत्री पद ले सकते हैं क्योंकि चाचा भतीजे में रार चल रही है, ऊपर ऊपर दिखाने के लिए सब कुछ अच्छा है। आज शिवपाल सिंह यादव मीडिया के सामने आए और उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि जो ये दावे कर रहे हैं वो सिर्फ अपना मखौल उड़वा रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने साफ शब्दों में कहा कि हम लोकसभा चुनाव 2024 की तैयारी कर रहे हैं, ऐसे में हमें किसी और पार्टी में जाने की जरूरत नहीं है। सर्वमान्य नेता हमारे अखिलेश यादव हैं और हम उनके साथ हैं, उनकी ताकत को बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं और हमारी पार्टी पुरजोर तरीके से बीजेपी के सामने चुनौती पेश करेगी। तो शिवपाल सिंह यादव को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, जो दावे किए जा रहे थे, वो दावे खोखले साबित हुए हैं और चाचा शिवपाल सिंह यादव ने खुद उन दावों की हवा निकाल दी। जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा था कि हमारे साथ आइए और राजभर की तरह मंत्री पद पाइए, उस बीजेपी को शिवपाल सिंह यादव ने ऐसा माकूल जवाब दिया है कि बीजेपी वाले दोबारा अब शिवपाल सिंह यादव से कोई भी संपर्क साधने की कोशिश
नहीं करेंगे, क्योंकि शिवपाल सिंह ने साफ कर दिया है वो सपा के साथ हैं, सपा के साथ थे और आगे भी समाजवादी पार्टी के साथ रहेंगे। हालांकि बीजेपी के गठबंधन दल के साथी संजय निषाद जो दावा कर रहे थे अब उनको जवाब देते नहीं बन रहा है, क्योंकि शिवपाल सिंह यादव ने जब रुख साफ किया तो उसके बाद पत्रकारों ने उनसे पूछा कि अब आप क्या कहेंगे, तो उन्होंने जवाब देने से इनकार कर दिया, जो बताता है कि ये समाजवादी पार्टी की बढ़ती ताकत को देखते हुए उसे कमजोर करने के लिए, उसकी छवि पर सवाल उठाने के लिए इस तरीके के दावे कर रहे थे ताकि जनता में भ्रम पैदा हो। यह कहना है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं, नेताओं और शिवपाल सिंह यादव का। क्या शिवपाल सिंह यादव को बीजेपी में जाना चाहिए या नहीं, आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और शिवपाल सिंह यादव अगर समाजवादी पार्टी के साथ रहते हैं तो क्या सपा 2024 में कमाल कर पाएगी, आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके जरूर बताएं।